हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। दयानंद पार्क में भारतीय सिंधु सभा द्वारा झूलेलाल जयंती पर आयोजित 3 दिवसीय मेले का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की प्रमुख उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर गडकरी ने सिंधी समाज के नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए सभी का मार्गदर्शन किया। सिंधी समाज के नववर्ष झूलेलाल जयंती के पावन उपलक्ष्य में झूलेलाल के गगनभेदी जय घोषों के साथ जरीपट का परिसर गूंज उठा। भारतीय सिंधु सभा महानगर की ओर से भव्य स्कूटर रैली निकाली गई। रैली प्रमुख सिंधु युवा फोर्स के अध्यक्ष गुड्डू केवल रामानी के अनुसार सर्वप्रथम इष्टदेव का पूजन कर सुख शांति की आराधना की गई। नगर में पहली बार सिंधी समाज की ओर से इतने बड़े पैमाने पर स्कूटर रैली निकाली गई, जिसमें 5,000 लोगों ने शामिल होकर इतिहास रच दिया। रैली जरीपटका के प्रमुख मार्गों से होते हुए समापन स्थल पर पहुंची। यहां सबकी खुशहाली के लिए अरदास की गई। इस अवसर पर मुख्य रूप से दादा घनश्याम दास कुकरेजा, पूर्व मनपा स्थायी समिति अध्यक्ष विक्की कुकरेजा, संजय चौधरी, महेंद्र धनविजय, जगदीश वंजानी, कमलेश केवल रामानी, कलगीधर सत्संग मंडल के एडवोकेट माधवदास ममतानी, गुड्डू केवल रामानी, डॉक्टर गुरुमुख ममतानी, राजू ढोलवान, वंदना खुशलानी, मंजू कुंगवानी, ईश्वर डेमला, मेघराजानी, वंशिका केसवानी की उपस्थिति रही। सिंधी समाज के इष्ट देवता वरुण अवतार झूलेलाल जी का 1072वां जन्मोत्सव गांधी सागर झूलेलाल मंदिर परिसर में सिंधु झूलेलाल वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में महंत मोहनदास के सानिध्य में उनका महाअभिषेक कर प्रारंभ किया गया। इसके पश्चात संस्था के अध्यक्ष रमेश जेसवानी के हस्ते 30 फुट ध्वज को फहराया गया। महंत ठाकुर मोहनदास ने श्री बहिराणा साहिब की पूजा अर्चना कर झूलेलाल जीवनी बताकर भक्तों का मन मोह लिया। बहिराणा पूजा में सारस्वत सिंध ब्राह्मण मंडल द्वारा मंत्रोच्चार के साथ की गई। बहिराणा पूजा अर्चना के प्रमुख अतिथि नारायण दास डेम्बले, एडवोकेट श्रवण मदनानी, सुरेश जग्यासी, अशोक रामानी, विजय रामानी, सहपरिवार एवं सिंधु झूलेलाल के सभी पदाधिकारियों के शुभ हस्ते संपन्न हुई। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री एवं नागपुर जिले के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत, खेल मंत्री सुनील केदार, पूर्व पालक मंत्री चंद्रशेखर पावनकुले, पूर्व महापौर दयाशंकर तिवारी, विधायक गण कृष्णा खोपड़े, प्रवीण दटके, विकास कुंभारे, पूर्व मनपा स्थायी समिति अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा, डॉक्टर विक्की रुघवानी, नगर सेवक बंटी शेलके, पुलिस निरीक्षक शिरसागर, सहायक पुलिस निरीक्षक राउत, घनश्यामदास कुकरेजा, श्रीमंत राजे मुधोजी भोसले, श्याम देवानी, विश्व हिंदू परिषद के पुरुषोत्तम रंगलानी, राजकुमार शर्मा आदि मान्यवर मुख्य रूप से उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी विनकर आघाड़े नागपुर शहर की ओर से परमात्मा एक सेवक महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई। इस अवसर पर मध्य नागपुर के विधायक विकास कुंभारे, तहसील पुलिस स्टेशन के निरीक्षक सोनव ने, महाराष्ट्र प्रकोष्ठ श्यामजी चांदेकर, विदर्भ संयोजक गजानन खापरे, विनकर आघाड़ी प्रभारी अमोल ठाकरे, नागपुर शहर अध्यक्ष किशोर उमरेडकर, मध्य मंडल महामंत्री राजेंद्र धकाते, गजानन सेलूकर, मधुर गड़ीकर, युवराज निपाणे, राजू मौदेकर, हेमंत बर्डे, लक्ष्मण पाठराबे, वासुदेव चिंचघरे, लक्ष्मण खापेकर, ताराचंद खापेकर, संजय निनावे, संजय बाहरघरे, श्रवण खापेकर, विनोद घोड़पागे, प्रमोद दहीकर, दीपक देवघरे, घुसे, रुपेश रामटेकर और समस्त कार्यकर्तागण उपस्थित थे। इलेक्ट्रिक मर्चेंट एसोसिएशन की ओर से गोलीबार चौक में सिंधी समाज के आराध्य देव झूलेलाल जी का जन्म दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। समारोह का शुभारंभ पंडित दयाल महाराज व पंडित सुनील शर्मा द्वारा वरुण देव की मूर्ति पूजन एवं महाआरती से किया गया। इस अवसर पर बलराम काकवानी, सुरेश बुधवानी, मनोहर लाल आहूजा, वेद खनूजा, लक्ष्मीचंद थावानी, जगदीश गेहानी, बिल्लू नेचवानी, ऋषि भाई, मदन लाल काकवानी, मेहता आदि उपस्थित थे। तेल कंपनियों की तरफ से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है और ये सारी तेल कंपनियां केंद्र सरकार के अंतर्गत आती हैं। केंद्र में भाजपा की चुनी हुई सरकार है। पेट्रोल और डीजल के दामों में 50 पैसे से लेकर 90 पैसे तक रोज वृद्धि हो रही है। देश की जनता को धीरे धीरे रोज लूटा जा रहा है। जहां रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से कच्चे तेल के दामों में 26% तक की भारी गिरावट आई है, वहां देश की चुनी हुई सरकार गरीब जनता को रोज लूट रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे की प्रमुख उपस्थिति एवं मार्गदर्शन में वनाकापा मध्य नागपुर अध्यक्ष रिजवान अंसारी के नेतृत्व में सेंट्रल एवेन्यू रोड दोसर भवन चौराहे पर राकापा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे ने बताया कि पिछले वर्ष 4 नवंबर के बाद से 21 मार्च तक पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई भी वृद्धि नहीं हुई। दरअसल 5 राज्यों में चुनाव के कारण केंद्र की चुनी हुई भाजपा सरकार ने दर वृद्धि नहीं होने दी, लेकिन 10 मार्च को राज्य के चुनाव के परिणाम आने के बाद केंद्र सरकार ने अपना असली चेहरा दिखा दिया।
भागवत कथा से मन का शुद्धिकरण होता है, इससे संशय दूर होता है और शांति व मुक्ति मिलती है। इसलिए भक्तजनों को सद्गुरु की पहचान कर उनका अनुकरण कर निरंतर हरि स्मरण भागवत कथा श्रवण करने की जरूरत है। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण से जन्म जन्मांतर के विकार नष्ट होकर एक व्यक्ति का लौकिक व आध्यात्मिक विकास होता है। इस आशय के विचार मानेवाड़ा बालाजी नगर के शीतला माता मंदिर में नवरात्र के उपलक्ष्य पर आयोजित संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान यज्ञ महोत्सव में चित्रकूट के कथाकार योगेश रोशना जी महाराज ने भक्तों के समक्ष व्यक्त किए। कथा आरंभ होने से पूर्व सुबह बालाजी नगर के शीतला माता मंदिर से मंगल कलश शोभा यात्रा कथा स्थल तक निकाली गई। कलश यात्रा में 51 महिलाएं सिर पर मंगल कलश धारण कर चल रही थी। जगह जगह शोभा यात्रा का भव्य तरीके से स्वागत किया जा रहा था। आज कथा के पहले दिन के अवसर पर महाराज ने बताया कि जब सौभाग्य का उदय होता है तभी भागवत कथा हमें सुनने को मिलती है। भगवान सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। वे सभी पापों को नष्ट करने वाले और सच्चे मन से उनकी आराधना करने वालों का उद्धार करने वाले हैं। विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन के उपक्रम साहित्यिक में नववर्ष के उपलक्ष्य में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संयोजिका माधुरी राउलकर का स्वागत सह संयोग शादाब अंजुम ने किया। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर आदेश जैन ने किया। सर्वप्रथम संयोजक आदेश जैन ने हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए नववर्ष से जुड़ी महत्वपूर्ण विशेषताएं बताई। सम्मेलन की शुरुआत हेमलता मिश्रा द्वारा माता सरस्वती की वंदना से हुई। सम्मेलन में मनिंद्र सरकार, शमशाद शाह, रश्मि मिश्रा, मणिक खोबरागड़े, माजिद बेग मुगल, अमान कुरेशी, गुलाम मोहम्मद खान आलम, जहन नागपुरी, शादाब अंजुम, तन्हा नागपुरी, माधुरी राउलकर, रमेश मौंदेकर, माधुरी मिश्रा, मधु, मंजू कारे मोरे, हेमलता मिश्रा, मानवी, नीलिमा गुप्ता, माया शर्मा, विवेक असरानी, आदेश जैन ने हिंदू नववर्ष पर एक से बढ़कर एक रचनाएं प्रस्तुत की। कविताओं के माध्यम से सभी ने नववर्ष की शुभकामनाएं दी। मानव धर्म के संस्थापक महात्यागी बाबा जुमदेव जी की 101वीं जयंती पर परमात्मा एक बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था तांडापेट की ओर से महाप्रसाद का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शहर भाजपा अध्यक्ष विधायक प्रवीण दटके, विधायक विकास कुंभारे, पूर्व नगर सेवक प्रवीण भिसीकर, भाजपा शहर महामंत्री राम आंबुलकर, मध्य मंडल अध्यक्ष किशोर पालांदुरकर, भाजपा विंटर आघाड़ी के श्याम चांदेकर, राहुल खंगार, किशोर उमरेडकर सहित सभी सेवकों ने बाबा जुमदेव जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर देश में फैली हुई कोरोना महामारी को पूर्ण रूप से नष्ट करने की विनंती भगवान बाबा हनुमान जी व महात्यागी बाबा जुमदेव जी के चरणों में की। इस अवसर पर बाबा जुमदेव जी की रथ यात्रा सुरेश बराते के निवास स्थान से निकाली गई और आदर्श विनकर कॉलोनी तांडापेट में पूर्व नगर सेवक तथा संस्था अध्यक्ष भास्कर बराते के निवास स्थान पर यात्रा को थोड़ी देर के लिए रोका गया। यहां महाप्रसाद का भी वितरण किया गया। अंत में रथ यात्रा वहां से थोड़ी दूर पर संपन्न हुई। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी सेवक गण, संस्था अध्यक्ष, पूर्व नगर सेवक भास्कर बराते, दीपक बराते, यश पांडे, लक्ष्मण पांडे, रूपेश निमजे, नितेश मांडव, टोनी बोकड़े, प्रीतम बोकड़े, सागर सिरस्कर, संजय गोटफोड़े, विजय पौनीकर, प्रवीण शिरपुरकर ने अथक परिश्रम किए। झूलेलाल जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय सिंधु सभा की ओर से 3 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रमों के दूसरे दिन गीत रामायण आकर्षण का केंद्र रहा। संस्कार भारती के इस अनूठे कार्यक्रम में कांचन गडकरी, दादा घनश्यामदास कुकरेजा, विक्की कुकरेजा, वंदना खुशालानी, प्रियंका पंजवानी, प्रमिला मथरानी, धनविजय चौधरी आदि मान्यवरों की प्रमुख उपस्थिति रही। गीत संगीत की महफिल में कलाकारों ने अपनी कला का जौहर दिखाया। शाम को आरती थाली सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गायक जतिन उदासी ने सिंधी संगीत प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। दृश्य एवं श्रव्य माध्यम से नागरिकों को दुनिया की सबसे प्राचीन विरासत सिंधु घाटी की सभ्यता के दर्शन कराए गए। पार्क के अंदर ही एक अलग डोम बनाया गया जिसमें करीब 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई थी और तीनों दिन बार बार ये क्लिप दिखाई जाएगी। इस डिजिटल गैलरी में सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ साथ विभाजन के दृश्य, सिंधी समाज के संतों, महात्माओं, शहीदों एवं अन्य विभूतियों को दिखाया गया है। इस वीडियो क्लिप के लेखक किशोर लालवानी हैं। इसमें पुरकश आवाज डॉक्टर विजय मदनानी ने दी है। इसके अलावा मेले में बच्चों के मनोरंजन हेतु झूले लगाए गए हैं। एसटी कर्मचारियों की हड़ताल का फायदा निजी बस संचालकों को मिल रहा है। इसका असर ये है कि एसटी बसों की संख्या जहां 450 से घटकर 170 रह गई है, वहीं निजी बसों की संख्या 180 से बढ़कर 360 का आंकड़ा पार कर गई है। सूत्रों की माने तो प्लानिंग से ग्रामीण क्षेत्र के यात्रियों को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि यहां आवागमन के निजी साधन कम संख्या में, इसीलिए लोगों को मजबूरी में आने जाने के लिए प्राइवेट बसों का सहारा लेना पड़ रहा है। एसटी महामंडल चाहकर भी अपनी पूरी संख्या में बसें शुरू नहीं कर पा रही है। बीते 5 महीनों से
निजी बस संचालकों ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से मनमाना किराया वसूल किया जा रहा है। इस मामले में कई यात्रियों ने अपनी शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। इधर कुछ कर्मचारी संगठन सरकार की चेतावनी को नजरअंदाज कर हड़ताल को नियमित किए हुए है। सरकार ने हड़ताल पर बैठे लोगों पर कार्रवाई के संकेत तो दिए है, लेकिन ये कब शुरू होगी इस पर अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं है। रेलवे स्टेशन के सामने का फ्लाईओवर तोड़ने के लिए भले ही कई वर्षों से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा मनपा को निर्देश दिए जा रहे हो, लेकिन तकनीकी परेशानियों के चलते अब तक फ्लाईओवर तोड़ने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई, जिससे यहां बनने वाले 6 लेन मार्ग का मसला भी अटका हुआ है। नए मार्ग के निर्माण के लिए पुल के नीचे स्थित दुकानदारों की मनपा कानून के अनुसार निधि की मांग की है। जिन दुकानदारों को निधि चाहिए उन्हें निधि देना तथा अन्य दुकानदारों को जगह उपलब्ध कराने का एग्रीमेंट कर मसला हल करने के निर्देश गडकरी ने मनपा आयुक्त को दिए। शुक्रवार को शहर के विकास के कई मुद्दों को लेकर गडकरी के आवास पर अधिकारियों की बैठक ली। विधायक प्रवीण दटके, मोहन मते, विकास कुम्हारे, पूर्व महापौर दयाशंकर तिवारी, मनपा आयुक्त राधा कृष्ण भी, जिलाधिकारी आर विमला आदि उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि रेलवे स्टेशन के सामने हमेशा ही ट्रैफिक जाम की स्थिति को देखते हुए वर्ष 2010 को 30 वर्ष के लिए इस फ्लाईओवर का निर्माण किया गया था। अब नई योजना के चलते केवल 12 वर्ष के भीतर ही इस पुल को तोड़ा जाना है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले के आदेशानुसार शहर अध्यक्ष विकास ठाकरे के मार्गदर्शन तथा मध्य नागपुर युवा नेता ब्लॉक अध्यक्ष मोतीराम मुहाड़ीकर के नेतृत्व में मोदी सरकार की हिटलरशाही तानाशाही का विरोध करते हुए आंदोलन किया गया। मुहाड़ीकर ने बताया कि महंगाई से जनता हलाकन हो गई है। मोदी सरकार ने बेतहाशा पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर के भाव बढ़ा के आम जनता की कमर तोड़ दी है। आम जनता का आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया जैसी हालत हो गई है। मुहाड़ीकर ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार आम जनता का खून चूसकर उद्योगपतियों का घर भरने का काम कर रही है। आंदोलन में जुल्फिकार अहमद भुट्टू, अन्नाजी राउत, रमन पैगवार, अशोक निखाड़ी, हीरचंद नाइक, राजू ताबूत वाले, रुपेश लोखंडे, मंगेश पाठराबे, किशोर शिरपुरकर, सुरेंद्र रॉय, प्रकाश लॉयसे, शंकर रणदीवे, नरेश चौधरी, हेमंत बारापात्रे, ईश्वर घोराड़कर, शेखर पौनिकर, अनिल केसरवानी, प्रकाश कुंटे, विजया ताजनी, नितिन नांदगांवकर, राहुल खापेकर, अक्षय डोरलीकर, रूबी पठान, मीनू वाकोड़ीकर, त्रिवेणी नंदनकर, मनोज कनौजिया, अविनाश बंशूर, आयुष राउत, सुनील मेश्राम, अशोक माथाड़े आदि उपस्थित थे। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने कहा कि केंद्र सरकार ऊर्जा के क्षेत्र के निजीकरण का प्रयास कर रही है, जिससे राज्य की बिजली कंपनियों के सामने अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए व्यवस्थापन में बदलाव कर संगठित होकर मुकाबला करने की जरूरत है। वे MSEB बैकवर्ड क्लासेस सीनियर इंजीनियर्स व अधिकारी संगठन नागपुर परिक्षेत्र की ओर से आयोजित परिसंवाद में बोल रहे थे। स्वतंत्र मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष JS पाटिल ने अध्यक्षता की। इस दौरान महावितरण संचालक संजय सांडी, महापारेषण के अनिल कोलब, होल्डिंग कंपनी के सलाहकार संचालक उत्तम झाल्टे, महानिर्मिति संचालक मानवेंद्र रामटेके ने भी ऊर्जा क्षेत्र की चुनौतियों पर विचार रखे। बिजली कंपनियों के सामने आ रही आर्थिक दिक्कतों की जानकारी ऊर्जा मंत्री को दी गई। राउत ने कहा कि कंपनियों की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए अलग अलग उपाय योजना बीते 2 वर्षों में की गई, जिसे संतोषजनक सफलता भी मिली। अधिक ब्याज दर वाले कर्ज की पुनर्रचना करने से तीनों कंपनियों के आर्थिक बोझ में लगभग 3,000 करोड़ रुपए की कमी आई। उपायों से बिजली दर में भी कमी लाने में मदद मिलेगी। पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने कहा कि सभी विद्युत कर्मचारियों को नई तकनीक का उपयोग करना चाहिए। अप्रैल महीने के शुरू होते ही गर्मी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक सूरज की किरणें आग बनकर गिर रही है। गर्म हवा के थपेड़ों से आम लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। दोपहर में सड़कों पर इक्के दुक्के लोग ही पैदल चलते नजर आ रहे हैं। इस बार मार्च महीने के अंत से ही गर्मी ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। 27 मार्च को ही पारा 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। 2 अप्रैल शनिवार को अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस
सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे दो दिन पहले 30 मार्च को अधिकतम तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। तापमान के बढ़ने से आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। लोगों का कहना है कि अभी इतनी गर्मी है तो मई और जून के महीने में क्या हालत होगी। घरों में पंखों की हवा में रहना मुश्किल हो गया है। अधिकांश लोगों के घरों में कूलर और एसी चलने चालू हो गए हैं। गर्मी के बढ़ने से शहर में जगह जगह रसवंती, नींबू पानी और शीतल पेय पदार्थों की बिक्री बढ़ गई है। पिछले कई वर्षों से प्रभा क्रमांक 22 की अनदेखी किए जाने के कारण गरोबा मैदान परिसर में कचरा, गडर लाइन चोक होने की समस्याओं के कारण परिसर के नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में पड़ गया है। इन समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने की मांग को लेकर ज्येष्ठ नागरिक मंच व शिवसेना ने संयुक्त रूप से सुभाष राव कोतमारी, पंसराज बांगड़कर, रूपचंद्र झाड़े के नेतृत्व में एवं नागपुर शिवसेना उप जिला प्रमुख तथा पूर्व नगर सेवक ज्ञानेश्वर झोड़े की प्रमुख उपस्थिति में मनपा के गांधीबाग जोन में पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि प्रभाग 22 के अंतर्गत गरोबा मैदान परिसर, जुना बगड़गंज दलवी दवाखाना परिसर, गांधी ग्रेन मार्केट परिसर, छापू नगर परिसर स्थित बस्तियों में कई सालों से गंदगी का साम्राज्य है। मोचीपुरा गार्डन में बीते अनेक सालों से टूटे हुए वॉकिंग ट्रैक से बहुतांश नागरिकों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बुजुर्ग नागरिक गिरकर घायल हो चुके हैं। प्रभाग 22 में कई सालों से नगर सेवक इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। साथ ही महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी गण भी परिसर की समस्याओं को नजरअंदाज कर रहे हैं। इन सारी समस्याओं को लेकर ज्येष्ठ नागरिक मंच ने गांधीबाग जोन के सहायक आयुक्त अशोक पाटिल को एक ज्ञापन सौंपा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट अंतर्गत मौसा पार्टी भांडेवाड़ी में मौजूदा अन्य आरक्षण छोड़कर सरकार के आदेशानुसार नगर विकास विभाग के आरक्षण की संरचना में बदलाव लाकर नई संरचनाओं को मान्यता प्रदान की है। यह जानकारी विधायक कृष्णा खोपड़े ने दी। नेशनल हाईवे पर पार्डी भंडारा रोड में बाजार लगता था, जिससे कई हादसे हो चुके हैं और कई परिवारों ने अपने परिजनों को खो दिया है। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने पार्डी ब्रिज के प्रोजेक्ट अंतर्गत राज्य के इकलौते वातानुकूलित मार्केट का निर्माण करने की दृष्टि से सभी वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण कर पार्किंग के लिए अतिरिक्त 4 मंजिला इमारत के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस संपूर्ण प्रोजेक्ट पर 40 करोड़ रुपए खर्च होना अपेक्षित है। इस बाजार परियोजना से पार्डी भांडेवारी क्षेत्र के नागरिकों को काफी राहत मिलेगी। विधायक खोपड़े ने आरोप लगाया कि हालांकि कांग्रेस ने कई नेता राज्य और केंद्र सरकार में 25 साल तक विधायक, सांसद और मंत्री रहे, इसके बावजूद इस पार्डी रोड पर कई हादसे हो चुके हैं। कई बेगुनाह लोगों की जान जा चुकी है। शहर में सबसे अधिक दुर्घटनाग्रस्त सड़क के रूप में पार्डी के इस रोड का नाम दर्ज हुआ है, लेकिन अभी परिस्थितियां बदल रही है। जिला परिषद में ठेकेदारों द्वारा FD घोटाले किए जाने का मामला उजागर हुआ है, जिसमें गिरफ्तारी से बचने के उद्देश्य से अंतरिम जमानत के लिए 4 ठेकेदारों की ओर से याचिका दायर की गई। याचिकाओं पर लंबी सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष की ओर से पुरजोर विरोध किए जाने के बाद न्यायाधीश अनिल किल्लोर ने ठेकेदारों को जमानत देने से साफ इनकार कर याचिकाएं ठुकरा दी। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ एडवोकेट अनिल मार्डिकर, अधिवक्ता अनिल धवड़, राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट V.A. ठाकरे, जिला परिषद की ओर से एडवोकेट P.K. सत्यनाथन ने पैरवी की। मंजुषा कुसुमकर पाटिल, रोशन पंजाब राव पाटिल, कंचन पंजाबराव पाटिल ने याचिकाएं दायर की थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार जिला परिषद में इन ठेकेदारों की ओर से कई ठेले प्राप्त किए थे। कुछ मामलों में इन ठेकेदारों ने काम पूरा होने से पहले ही परफॉर्मेंस डिपॉजिट और सिक्योरिटी डिपॉजिट निकाल ली। कुछ मामलों में काम तो पूरा किया, लेकिन टेंडर की शर्तों के अनुसार दायित्व कॉल से पहले ही उक्त निधि निकाल ली। इन याचिकाकर्ताओं पर यह भी आरोप है कि इन्होंने मूल फिक्स डिपॉजिट निकाल कर उसके बदले मूल फिक्स डिपॉजिट की जेरोक्स कॉपी विभाग के दस्तावेजों में रख ली।
नागपुर महानगर पालिका के ठोस कचरा प्रबंधन विभाग ने इस साल कान्हेवार पार्क में गणगौर तीज के विसर्जन की व्यवस्था की है। नागपुर महानगर पालिका की ओर से यह कृत्रिम टैंक स्थापित किए गए हैं। हर साल गांधी सागर सरोवर में गणगौर व्रत विसर्जन का आयोजन किया जाता है। हालांकि इस बार गांधी सागर झील के सौंदर्यीकरण का कार्य भी जारी है, इसलिए इस वर्ष गांधी बाग उद्यान में ही यह व्यवस्था की गई है। नागपुर महानगर पालिका के ठोस कचरा प्रबंधन विभाग ने नागरिकों से गांधी बाग उद्यान में कृत्रिम तालाब में गणगौर तीज विसर्जन करने की अपील की है। यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल मिलाकर 3,154 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल मिलाकर 1,72,000 रुपए का जुर्माना वसूला। इसी तरह मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत 4 मामलों में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 64,000 रुपए का सामान जब्त किया गया। इसके अलावा जुआ अधिनियम के अंतर्गत 7 मामलों में 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 1,72,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए थे। ट्रैफिक विभाग ने यह आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखें। शहर की सबसे बड़ी समस्या यातायात का सुचारू प्रबंधन है। किसी भी शहर की अच्छी और बुरी छवि उसकी परिवहन व्यवस्था पर निर्भर होती है। दूसरे शहरों और राज्यों के लोग भी पहले शहर की परिवहन व्यवस्था को देखते हैं और अनुमान लगाते हैं कि वहाँ के लोग कैसे होंगे। लेकिन त्रासी यह है कि हमारे शहर की परिवहन व्यवस्था लगभग पूरी तरह डामाडोल हो गई है। ट्रैफिक पुलिस किसी भी चौराहे पर नजर नहीं आती। वे आमतौर पर चौराहों से 100 से 200 मीटर की दूरी पर खड़े नजर आते हैं। उनका पूरा फोकस ट्रैफिक संभालने के बजाय चालान काटने पर होता है। नियम तोड़ने वालों को जंगल में शिकारी की तरह पकड़ लिया जाता है। परिवहन विभाग को कब एहसास होगा कि जुर्माना लगाने से शहर में परिवहन व्यवस्था में सुधार नहीं होता? यह सवाल हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने उठाया है। चौराहों और उसके आसपास वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन पुलिसकर्मी यातायात व्यवस्था को सुधारने के बजाय चालान काटने में जुटी हुई है। शहर की परिवहन व्यवस्था में सुधार लाने के लिए स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शहर भर में लगभग 3,500 कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन इससे कोई ठोस सुधार नहीं आया है। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए वीके वी न्यूज़। नमस्कार।